आज हम क्लास नाइन्थ इस सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन सीरीज चैप्टर टू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी किसको हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं? ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से बना हुआ है, जिस ग्रीक में भाषा में डेमो अर्थ होता है पीपुल और क्रिटिया अर्थ होता है रूल, यानी जनता का शासन। इस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके आधार उन्होंने जिनका नाम अब्राहम लिंकन था, उन्होंने भी डेमोक्रेसी की परिभाषा दी। उनके आधार पर डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड द बाय द पीपुल, यानी लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा जनता के लिए उनका। इस तरह आप देखते हैं डेमोक्रेसी का एक बहुत ही सिंपल डिफिनेशन हमको मिलती है, जिसका अर्थ होता है डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन चलाने का अधिकार जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को। ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। तो आगे हम देख लेते हैं ये जो है डिफिनेशन जो मिलता है, इसके आधार पर सिर्फ हम यही केवल डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अलग कर सकते हैं। कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है, कौन सी सरकार लोकतांत्रिक, यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार में। इसको केवल इसके इस परिभाषा के आधार पर केवल इतना ही हम कर सकते। जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, या आर्मी का रूल हो गया, या मोनार्की हो गया, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया। बस परिभाषा से ये नहीं आता। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं डेमोक्रेसी की विशेषता क्या है, फ्यूचर क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं इसमें। पहला विशेष फीचर इसका देख लेते हैं, मेन डिसीजन जो भी होता है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को लेना चाहिए, डेमोक्रेसी के बारे में बात होती है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं, पाकिस्तान के एग्जाम्पल दे सकते हैं। 1999 में वहाँ के सैनिक कमांडर थे प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने सैनिक विद्रोह करके वहाँ पाकिस्तान में अधिकार कर लिया सत्ता पर, और एग्जीक्यूटिव बने, और बाद में प्रेसिडेंट करने के लिए उन्हें रिफ्रेंडम होता है, जनता से पूछा जाता है कि आप जो हम इस मत से आप सहमत हैं नहीं सहमत हैं, तो आपको वोटिंग करनी होती है। तो वोटिंग हुई तो 5 साल के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के लिए अपना महोदय मांगा था। तो इसी तरह अनफेयर प्रैक्टिस अप्लाई अपना करके, गलत तरीका अपना करके वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। बाद में वहाँ संविधान में संशोधन कर दिया, और जो शासन करने का अधिकार था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने बनाया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आर्मी के सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी, जनता के द्वारा चुने जो प्रतिनिधि थे संसद भवन में जो बैठते थे, जो नियम बनाते थे, कानून या जो भी चीज बनता था उसको फिर सिक्योरिटी काउंसिल जज करती थी। उसको अगर सिक्योरिटी काउंसिल पास कर देती है तो देश में लागू होता था, यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्णय करने का अधिकार नहीं था। इसमें पहली विशेषता इसको हो जाती है, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको पूरा अधिकार हो जो निर्णय लें और निर्णय पूरे देश में लागू। दूसरी इसकी विशेषता हो जाती है डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो भी लोकतंत्र है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के आधार पर सरकार चुनी जाए। एक एग्जाम्पल इसके नाम दे सकते हैं, चाइना के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। चाइना में वन पार्टी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी शासन है, वहाँ पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है तो वही व्यक्ति उसका चुनाव लड़ सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से दूसरे सदस्य हम कोई चुने जाते हैं, 3000 चुने जाते हैं, और वही लोग मिल करके वहाँ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का चुनाव। तो इस तरह वन पार्टी सिस्टम हो गया, उसमें तो जनता का कोई उसमें विरोध कर नहीं सकती, एक पार्टी है उसी में पार्टी का उसको चुनना है। तो ये भी डेमोक्रेटिक सरकार नहीं हुई, इसमें चुनाव हुआ इलेक्शन हुआ लेकिन इसमें जनता को च्वाइस नहीं मिला, दूसरे को नहीं चुन सकती, जो सरकार चल रही है उसी को फिर दोबारा उसको चुनना है। इस तरह हम बता सकते हैं ये चुनाव जो हुआ फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, इसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, एक पार्टी जो सत्ता में थी वो न पावर में आ गई। तो ये दूसरा विशेषता, इसलिए इसकी विशेषता होती है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी हर व्यक्ति का एक वोट हो और एक जो एक वोट हो उसका समान मूल्य हो। इसलिए एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं, एक देश हमारा पहले देश ला सकता है, उसको पा सकते हैं
फिजी वहां पर जो वहां मूल निवासी हैं उनके वोट का अधिकार जो है, या बहुत सारे भारतीय भी जाकर फिजी में बसे हुए हैं उनके वोट के अधिकार से उनका वोट का मूल्य ज्यादा। इस तरह कह सकते हैं कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को वोट का जो अधिकार मूल्य जो है एक समान नहीं है। फिजी को उदाहरण देखें तो ऐसी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जो उसमें सबको एक वोट एक सब वोट का मूल्य जो है बराबर। चौथी इसकी विशेषता ये हो जाती है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, कानून का शासन स्थापित हो, कानून के जन सब समान हो और सबको बराबर अधिकार पाओ। यानी एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिम्बाब्वे का, वहां पर रॉबर्ट मुगाबे की सरकार 1980 में वाइट लोगों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये पार्टी लगातार सत्ता में रही, वहां के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे रहे वहां पर। लेकिन हमने देखा कि वहां पर जो भी विपक्षी पार्टियां थी वहां चुनाव होता था, विपक्षी पार्टियों को बाकर परेशान किया गया था, मीटिंग में उसको परेशान किया गया था, यानी जो लोग भी सरकार का विरोध करते थे उनको बंद किया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। यानी जनता या वहां के न्यूज पेपर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। इसके आधार पर देखिए जो भी सरकार है उसको जो वहां की जनता है उसको रूल ऑफ लॉ के आधार पर शासन होना चाहिए, सबको बात करने का अधिकार, ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, तभी कही जा सकती है कि सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार। और तो इसके आधार पर देखें तो जो हमने सिंपल डिफिनेशन दिया डेमोक्रेसी का वो कुछ नहीं, वो अधूरा डिफिनेशन था। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सरकार ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के चुने प्रतिनिधि है उनको ही अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार होता है। दूसरा इसमें इलेक्शन जो होगा सबको उसमें बराबर मौका मिलेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। चौथा तीसरा हो जाता है और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा, और उस जन प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है उनको दोबारा हटाने का अधिकार होगा, ये हो जाता है। और उसके बाद फिर कह सकते हैं जनता के घर में चुने प्रतिनिधि है, ऐसा नहीं मनमाना अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, संविधान जो अधिकार दिया गया उसी का पालन करेंगे, और उसके जो संविधान का अधिकार दिया गया है उसी का आधार पर देश शासन चलाएगा। ऐसा नहीं जो जनता के घर चुने प्रतिनिधि हैं तो मनमाना आचरण करेंगे, जनता को जो अधिकार दिया गया उनका फंडामेंटल राइट्स का उपयोग करेंगे, उसको रोक लगाएंगे। तो ये इस तरह देखें तो ये तब जाकर के ये चीजें हैं जिसको हमने बताया, ये सारे पालन किया गया, तो एक सरकार जो एक लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है। थैंक यू।